देश विदेश के लोगों को अब शरीर में विटामिन डी की पूर्ति के लिए धूप में बैठने की आवश्यकता नहीं रहेगी। CSIR के हिमालय जैव संपन्नता प्रौद्योगिकी संस्थान IHBT पालमपुर के वैज्ञानिकों ने सिटाके मशरूम को तैयार किया है, जो विटामिन डी से भरपूर है और इसको सुखाकर कैप्सूल के माध्यम से उपभोक्ताओं को परोसा जा सकता है। WHO के सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में अधिकतर लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई है, इससे बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि कुदरती तौर पर विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य का प्रकाश है, जो हर समय किसी को भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कई संस्थानों में लोग सुबह से शाम तक कमरे के अंदर काम करते हैं, वो धूप में बैठने का समय नहीं मिलता है। वहीं अधिकतर लोग सनस्क्रीन जैसी क्रीम को उपयोग कर धूप से बचते हैं। हालांकि भारत में विदेशों की भांति सनबाथ लेने की प्रथा नहीं है, इससे भारत के लोग विटामिन डी की कमी से अधिक प्रभावित हो रहे हैं। संस्थान में सिटाके नामक मशरूम तैयार किया है, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी की उपलब्धता रहती है। संस्थान ने इसे सुखाकर कैप्सूल बनाकर ग्राहकों को परोसने की तकनीक भी इजाद कर ली है। इसके तहत 500-500 मिलीग्राम के कैप्सूल के माध्यम से एक कैप्सूल में सारे दिन में विटामिन की कमी को दूर करेगा। संस्थान का दावा है कि इस कैप्सूल से धूप के अभाव में विटामिन डी की कमी से हड्डियों की समस्या से जूझ रहे मरीजों को सहायता मिलेगी। वैसे तो मशरूम को पौष्टिक आहार से युक्त माना गया है। इसमें फॉलिक एसिड वो लो तत्व विद्यमान है, जो लाल रक्त कण बनाने में बेहद मददगार हैं। संस्थान निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि संस्थान में विटामिन डी से भरपूर कैप्सूल की तकनीक विकसित की है। इसे सिटाके मशरूम की मदद से बनाया गया है। इसके बाजार में आने पर लोगों को अन्य दवाइयों की जगह शाकाहारी दवाइयां उपलब्ध होंगी, वहीं देश विटामिन डी के मामले में सक्षम होगा। उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट राज्य ने संस्थान से युक्त तकनीक को हासिल किया है तथा इसका उद्योग के रूप में इस्तेमाल कर किसानों की आर्थिकी बढ़ाई जाएगी। कि विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी है हमारा शरीर। वैसे अगर हमारे शरीर को सूरज मिले सवेरे सवेरे का, तो हमारा शरीर विटामिन डी अपने आप ही बना सकता है। लेकिन हम कभी भी सनबाथ जैसी चीज़ तो हिंदुस्तान में लेने की प्रथा है नहीं, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। फिर ऊपर से हम सनस्क्रीन वगैरह का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग कई बार कर लेते हैं, तो उससे भी विटामिन डी का बनने में थोड़ी कमी आती है। तो हमने कहा कि विटामिन डी को अगर आदमी को पूरा उसकी पूर्ति करनी है, तो उसके लिए कोई सोर्स हम पैदा करें। तो हमने शिटाके मशरूम की कल्टीवेशन शुरू करी है, उसकी हमने पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है कि हम शिटाके मशरूम को 2 महीने में तैयार कर लेते हैं लैब में, और उस मशरूम के अंदर हमने इतना विटामिन डी डाला जो कि अगर हम उसको ड्राई करके 2 कैप्सूल में डालें 500-500 मिलीग्राम के, तो आपकी विटामिन डी की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। तो हमने एक प्राकृतिक स्रोत विटामिन डी का, शाकाहारी स्रोत, वो डेवलप किया है अपने संस्थान में। इसकी टेक्नोलॉजी अभी नॉर्थ ईस्ट वालों ने साइन भी कर ली है, वो लेके भी चले गए हैं। अगर हिमाचल में और ऐसी जगह भी अगर लोग इसको लें, इस टेक्नोलॉजी को, तो उनका तो फायदा होगा ही होगा। जो हमसे टेक्नोलॉजी लेंगे, हमारे समाज का भी बहुत भला होगा। वहीं संस्थान के वैज्ञानिक रक्षक कुमार ने कहा कि सिटाके मशरूम को प्राकृतिक रूप से उगाने को 8 से 12 महीने लगते हैं, जबकि हमारी तकनीक से सिटाके मशरूम 2 महीने में उगकर तैयार हो जाता है। ये जो नेचर में है, इसमें लोग पेड़ों की टहनियां को काट के उस पे सिटाके उगाने की प्रथा है, और इसमें नेचर में अगर ओपन में जो लोग उगाते हैं, तो उसमें उन्हें 8 से 12 महीने का टाइम लग जाता है। और जो हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी तैयार की है, जिसको कैप्टिव कल्टीवेशन कहते हैं, जिसमें हम इनको एक ऑप्टिमाइज कंडीशन, टेम्परेचर और मॉइस्चर देते हैं, उसमें हमने पैरेलली स्पॉन अगर हम बनाते हैं, तो वो स्पॉन की पद्धति हमने 1 महीने में, और जो मशरूम कल्टीवेशन फ्रूटिंग बॉडी हम इसको 2 महीने में तैयार हो जाती है। ये तो पूरा मिला के हम कह सकते हैं कि पैरेलली अगर हम करें, तो स्पॉन और ये दोनों मिला के हम 2 महीने में मशरूम की फ्रूटिंग बॉडीज हमें तैयार हो जाती हैं। तो ये नेचर के हिसाब से, ये जो नॉर्मल कल्टीवेशन के हिसाब से, इसमें बहुत समय की बचत होती है।